जैसा कि हर बार महाराणा प्रताप जयंती महाराणा प्रताप भवन में मनती है, पिछले दो साल से थोड़ी बहुत उसके अंदर कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने बाधा डालने का प्रयास किया था। आज हम उन्हें यहाँ एकत्र होकर संपूर्ण क्षत्रिय समाज, जितने भी युवा साथी बाहर खड़े हैं, आपका कार्यक्रम चल रहा है, आप सब लोग अंदर आ जाए। श्री शांत प्रकाश जी जाटव साहब साथ हैं, यहाँ ये संदेश देने के लिए आए हैं कि भारत के पूरे चप्पे चप्पे में प्रत्येक वर्ग महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानता है और महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर चलना चाहता है। इसीलिए ये जयंती उनकी स्मृति में इसलिए मनाते हैं कि महाराणा प्रताप का जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है, उसको क्षत्रिय समाज फिर से अपनाने के लिए तैयार है, आज अपना रहा है। और इसीलिए यहाँ जो दो समुदायों के बीच में जिन लोगों ने झगड़ा कराने का प्रयास किया था, उनको भी हम कड़ा संदेश दे रहे हैं कि शांत प्रकाश जाटव साहब से बड़ा कोई जाटव नेता अभी तक भारत में है नहीं। वो आज हमारे साथ महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और साथ ही ये संदेश दे रहे हैं कि सारंगपुर की जनता शांति चाहती है, मित्रता चाहती है, सौहार्द चाहती है और महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर चलना चाहती है। मैं इस मंच की ओर से सर्व समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप की यदि मूर्ति आपने संसद भवन में देखी होगी, एक तरफ हकीम खान सूर पठान है, दूसरी तरफ पूजा राणा भील है, जो वंचित समुदाय से माने जाते हैं, जो आजकल वंचित कहते हैं, वंचित होता नहीं है वैसे समुदाय, एक तरफ भामाशाह है, एक तरफ माता पन्ना ढाय है। इसका मतलब